व्हाट्सअप गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल आई एम धीरज राठौर वेलकमिंग टू ऑल ऑन सम्मेक आई येस माई डी फ्रेंड जो आज का हम टॉपिक डिस्कस करने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट में भी कहीं टाइम कहीं बार ये मुद्दे में रहा है जैसे कि आप समटाइम्स सुनते होंगे सेमी कंडक्टर चिप्स वगैरह के बारे में तो ये बेसिकली उससे भी इनडायरेक्टली इंटरकनेक्टेड है तो बेसिकली जो आज हम बात करने वाले हैं आर ई ई आर ई की फुल फॉर्म क्या है रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्लियर जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि रेयर ऐसे एलिमेंट जो कि बहुत रेयर मात्रा में पृथ्वी पर उपलब्ध है ठीक है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि इंडिया का कौन सा स्थान आता है और इसकी इम्पोर्टेंसी क्या है क्लियर तो इसमें कौन कौन से सेगमेंट पे बात करेंगे तो ये होता क्या है क्लियर इंडिया ऑजिशन एंड सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस मतलब इसकी इंपोर्टेंसी क्या है ओके तो ये भी द हिंदू में कवर हुआ था अपने जो सी सी आई है क्लियर तो उसने रिकमेंड uh, किया था कि ये जो माइनिंग्स है रेयर अर्थ मेटल्स के लिए इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी मौका देना चाहिए क्लियर तो उसके रिगार्डिंग ये अभी कवर हुआ था क्लियर तो बात करते हैं आगे एक्चुअली रेयर अर्थ मेटल्स होते क्या हैं इट इज अ सेट ऑफ सेवनटीन मेटलिक एलिमेंट्स क्लियर इट इज द सेट ऑफ मेटलिक एलिमेंट्स दैट इज कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल क्लियर अब इसमें कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं एक बार इसमें फिफ्टी जो फिफ्टीन है फिफ्टी लेंथ नाइट होते हैं जिससे जिसका एटोमिक नंबर होता है फिफ्टी सेवन से लेके सेवेंटी वन फिफ्टी सेवन टू सेवनटी वन ये क्या है एटोमिक नंबर क्लियर इसके साथ साथ स्कैंडियम एंड इट्रियम ये बेसिकली 17 एलिमेंट्स का ही एक सेट होता है जिसे कि रेयर अर्थ मेटल के नाम से जाना जाता है क्लियर अब ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं एक होता है लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट और दूसरा होता है हैवी तो अपने को सर्फेसली थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि अपने जो रेयर अर्थ मेटल्स है इंडिया में कौन कौन से हैं और अभी जो लेटेस्ट न्यूज में चल रहा है वो टॉपिक क्या है क्लियर तो अभी आगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अब बात करते हैं आगे रेयर अर्थ रिजर्व टॉप सेवन कंट्रीज देखो इसके बारे में चर्चा क्यों हो रही है क्योंकि अपनी मोस्टली जो इम्पोर्ट्स होता है वो अराउंड नाइंटी टू नाइंटी फाइव परसेंट चाइना से होता है क्लियर कितना नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव परसेंट चाइना के ऊपर अपना इंपोर्ट बेस होता है डेट इज वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्लियर तो जो वर्ल्ड में जो टॉप पे है जहां पे सबसे ज्यादा रिजर्व है वो कंट्री कौन सी है चाइना कितना रिजर्व है इसका 44 मिलियन मैट्रिक टन उसके बाद में जस्ट नियर बाय वियतनाम कितना है 22 देन ब्राजील एंड रशिया कितना है 21 मिलियन मैट्रिक टन उसके बाद नंबर आता है इंडिया का कुछ याद रह नहीं रहे एक तो चाइना याद रहना चाहिए टॉप पे कौन है चाइना क्लियर और इंडिया की पोजिशन कौन सी है फोर्थ नंबर और उसके बाद जो फिफ्थ नंबर पे है वो आपका ऑस्ट्रेलिया जिसका रिजर्व कितना है, 4 rate, USA, rate, रिजर्व कितना है? ये तो आपको पूरे कंट्रीज की ऑर्डर याद हो गया कि सबसे ज्यादा जो रेयर अर्थ एलिमेंट है वो कहाँ पे उपलब्ध है और इंडिया का कौन सा पोजिशन है क्लियर अब सोचो आप इंडिया फोर्थ नंबर पे आ रहा है फिर भी नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव परसेंट जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है ये हमेशा इम्पोर्ट करते हैं मोस्टली इम्पोर्ट कहाँ से आता है आपका वो है चाइना क्लियर तो इसीलिए तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम करने के लिए ही वी आर टॉकिंग अबाउट इट सी जो है आपका उसने अर्ज किया है कि जो प्राइवेट सेक्टर से उसको भी माइनिंग के लिए परमिशन देनी चाहिए ताकि हमारा जो इंपोर्ट है चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना हो हम भी उसमें एक अच्छे प्रॉपरली स्ट्रेटजिक वे में काम कर पाए तो अब बात करते हैं इंडिया का सिनेरियो क्यों है? क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं वाई का आपको रीजन पता होना चाहिए तो यहां से पता चल जाएगा इंडिया जो है वर्ल्ड का 6% रिजर्व रखता है अपने पास कितना 6% रिजर्व पूरा वर्ल्ड का जितना भी रेयर अर्थ मेटल्स है पूरा वर्ल्ड का सर्विस जो है उसका सिक्स परसेंट और प्रोड्यूस कितना करता है ओनली वन परसेंट कितना प्रोड्यूस कर रहा है ये ओनली वन परसेंट क्लियर याद रहेगा डेट इज वाई वी हैविंग द नीड टू थिंक अबाउट द रेयर अर्थ मेटल्स टू प्रोड्यूस क्लियर अब बात करते हैं आगे रेयर अर्थ एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट अ टोटल वैल्यू ऑफ नियर बाय 200 बिलियन डॉलर जो इकोनॉमी में इसका कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है 200 बिलियन डॉलर ये भी कम अमाउंट नहीं बहुत बड़ा अमाउंट है इसीलिए ध्यान देने की ज़रूरत है क्लियर इसके अलावा जो 2018-19 में जो फिगर है अपने पास इसमें ये बोला गया है कि जो 92% जो आपका रेयर अर्थ मेटल है वो मोस्टली चाइना से ही आपने इम्पोर्ट किया है क्लियर इसके अलावा जो अपने पास इंडिया में अवेलेबल है रेयर अर्थ मेटल तो मोनाजाइट एंड थोरियम देखिए आपको पता होना चाहिए जो केरला में कौन सी सैंड है जिससे कि थोरियम निकलता है कौन सी है वो मोनासाइट गूगल करिएगा इसको ये कहीं बार द हिंदू में कवरेज रहता है अपने पास थोरियम है लेकिन उसको निकालने का तरीका भी अपने को पता है लेकिन फिर भी उसको यू you नो know, एक प्रॉपरली वे में नहीं निकाल पा रहे हैं तो कौन सी सैंड है वो मोनाजाइट सैंड है जो कि केरला में अभी इसके ऊपर प्रोसेस चल रहा है थोरियम निकालने के लिए क्लियर तो अब बात करते हैं आगे इसकी मेन कंसर्न क्या है देखो इंडिया में रिजर्व भी है फोर्थ नंबर पे अपन आते हैं वर्ल्ड वाइड क्लियर फिर भी अपन इसको प्रॉपरली क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं अभी तक ऐसी क्या वजह है कि हमें इसके बारे में सोचना पड़ गया तो पहली वजह सर ये है कि हमें एक्सपर्टीज चाहिए होगा और ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं जो एलिमेंट्स हैं ये एक कंसनट्रेटेड फॉर्म में नहीं मिलते हैं कि जैसे कि सपोज़ कि आप दूसरे आयरन्स या दूसरा जो भी एलिमेंट्स आप निकालते हैं माइनिंग के थ्रू वो एक कंसनट्रेट फॉर्म में मिल जाता है बट रेयर अर्थ मेटल्स नहीं मिल पाते हैं क्लियर इस ये भी एक बहुत बड़ी वजह है और दूसरी बात अपने पास इतने अच्छे लेवल के एक्सपर्टीज़ नहीं है साथ के साथ इसको माइनिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है और कहीं कंट्रीज़ की इसकी मोनोबोली है क्लियर वो अपनी टेक्नोलॉजी अपने साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं इसके साथ सप्लाई चेन एक इशू है क्योंकि सप्लाई चेन तो इशू होगा ही सही जब आपका मोस्टली पूरा जो इम्पोर्ट एक कंट्री पे ही डिपेंडेंट है तो वो अपनी मोनोबॉली भी बताएगा तो सप्लाई चेन उससे डिस्टर्ब होगा जितनी आपको डिमांड चाहिए जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतनी वो सप्लाई नहीं करेगा करेगा भी तो उसकी अपनी मोनोबॉली रहेगी हायर रेट्स में आपको मिलेगा क्लियर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स कैसे होंगे सर कहीं जो एलिमेंट्स है वो रेडियो एक्टिव होते हैं जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां तक हो जाती है क्लियर इसका पैंक्रियाज और यू नो लंग्स में भी एक डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है साथ के साथ ही कैपिटल इंटेंसिव होते हैं इसके लिए बहुत पैसा चाहिए होता है माइनिंग करने के लिए एक्सपर्टीज या जो भी इसकी टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं क्लियर इसके अलावा जो इसके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं टॉक्सिक इन नेचर होते हैं मतलब हानिकारक चीज़ें बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं जिसकी वजह से एनवायरमेंट पे भी इसका इम्पैक्ट होता है साथ के साथ ह्यूमन बींग्स पे भी इसका इम्पैक्ट होता है क्लियर ये एक मेजर कंसर्न है इसके पीछे क्लियर अब बात करते हैं आगे सिग्निफिकेंस देखो मोटे मोटे तौर पे आपको पता होना चाहिए कि इसकी इम्पोर्टेंसी क्या है सिग्निफिकेंस क्या है क्लियर तो पहली चीज ये कहाँ यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज जो आपकी बैटरीज हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मिनरल्स चाहिए होते हैं कोबाल्ट निक्विल लिथियम ठीक है तो उसके लिए ये अपने को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है साथ के साथ जो आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं जैसे कंप्यूटर हो गया हार्ड ड्राइव्स हो गया इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स सेमी कंडक्टर फ्लैट स्क्रीन टी एंड ऑल सब में क्या होता है इसकी ज़रूरत होती है क्लियर साथ के साथ जो अपना इलेक्ट्रिक <coughs> व्हीकल्स के लिए जो मिशन चल रहा है ट्वेंटी थर्टी को जो हम टारगेट कर रहे हैं उस वो तो बिल्कुल ही किस पर डिपेंड करता है बैटरीज पे डिपेंड करता है तो बैटरीज में तो आपको पता है बेसिकली क्या मिनरल्स यूज़ होते हैं कोबर निकल एंड लिथियम तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है क्लियर उस टारगेट को अचीव करने के लिए अब टारगेट क्या है ट्वेंटी थर्टी के देख लेते हैं एक बार एट्टी परसेंट जो टू व्हीलर एंड जो थ्री व्हीलर है क्लियर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए साथ के साथ देख लीजिए 80 परसेंट कितने? टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर होने चाहिए और 40 परसेंट बसेस इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट होना चाहिए साथ के साथ फोर व्हीलर की बात करते हैं तो थर्टी टू सेवेंटी परसेंट अपने टारगेट है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कन्वर्ट करना अब इससे क्या अपने को फायदा है देख लेते हैं सबसे मेन जो फ़ायदा अपना क्लीन एनर्जी क्लीन एनर्जी को भी आपको पता होना चाहिए कि स्पेशल टेक्नोलॉजी वगैरह चाहिए होती है ठीक है जब हानिकारक चीज़ें अपने पास नहीं रहेगी पॉल्यूशन कम हो जाएगा तो क्लीन एनर्जी में भी इसका अपने को सहायता मिलेगी साथ के साथ इंडस्ट्रियल यूज में भी ये काम आता है किस में काम आता है ये सीरियम जो कि ग्लास पॉल्यूशन के काम आता है साथ के साथ जो लेंथनम है ये कार ऑप्टिकल लेंसेज के काम आता है क्लियर और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैग्नेट्स मैग्नेट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी ये काम आता है वो देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं नियोडेमियम क्लियर डायसोपियम आर आर क्रिशियल टू मैन्युफैक्चर ऑफ मैग्नेट्स विच आर यूज इन द इंडस्ट्री एंड ऑल्सो इन विंड टर्बाइन एंड ड्रोन्स टर्बाइन और ड्रोन्स की बनाने के लिए भी जो आपको यू नो मैग्नेट चाहिए होता है उसमें भी इनका रेयर एलिमेंट्स की बहुत जरूरत पड़ती है क्लियर तो इतनी इंपोर्टेंसी होने के बाद में भी हम आज इंपोर्ट करते हैं अराउंड नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव परसेंट या बोल के चली कि हंड्रेड परसेंट इम्पोर्ट करते हैं हम उस लेवल पे अपना प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं जितनी की अपने को ज़रूरत होती है तो इसी वजह से सी ने रिक्वेस्ट किया कि क्यों ना जो प्राइवेट सेक्टर्स के जो बहुत अच्छे प्लेयर हैं उनको मौका दिया जाए ताकि एक अच्छे लेवल पर माइनिंग हो पाए क्लियर तो बेसिकली उसके ऊपर ये एक इश्यू था जो कि अभी कवर हुआ था द हिंदू में आई होप आपको समझ में आया होगा फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं क्लियर इफ़ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल आई होप आपको फिर भी मैं आपसे अगेन एंड अगेन एक चीज़ हमेशा पूछता रहता हूँ कि कोई भी डाउट्स uh, आ रहे हो चाहे रिगार्डिंग टू करंट अफेयर हो रिगार्डिंग टू एवरी डायमेंशन ऑफ योर लाइफ यू मैं डायरेक्टली कमेंट ऑन दिस चैनल क्लियर फिलहाल के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच